नमस्कार। कर्नाटका का कल सुबह या कल रात को चॉइस लॉटरी का शेड्यूल आ गया है और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। शायद ये बहुत मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगा रिगार्डिंग कर्नाटका, और ये कुछ मिस्टेक्स या कुछ गलतियां जो कि दूसरे काउंसलर्स आपको बता रहे हैं वो आपको बचाएगा। सबसे पहली बात, आप ये जान लीजिए कि कर्नाटका में अभी भी फ्री एग्जिट है। जी हाँ, लाइन को समझ लीजिए, क्योंकि केरला में इस साल हट गया, और फिर मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। देखिए, ये आपको वेबसाइट पे नजर आ रहा है, डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स एंड फी स्ट्रक्चर, जो अभी ढंग से नहीं आया, लेकिन मैंने आपके लिए निकाल दिया, मैं दिखाऊंगा। डाउनलोडिंग और वेरिफिकेशन स्लिप आप सभी कर चुके हैं, जिसमें आपको सबसे इस स्लिप की एक्चुअली डाउनलोड इसलिए करना पड़ता है कि एक सीईटी नंबर मिलता है नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स को, जो अभी तक नहीं था आपके पास, क्योंकि वही सीटी नंबर फिर आपका फ्यूचर में लॉगिन आईडी बन जाता है, और साथ में एक सीक्रेट की मिलती है जो कि आपका एक सेमी पासवर्ड हो जाता है। ऑफ कोर्स उसके बाद आप ऑप्शन एंट्री कर रहे हैं, कल रात को शुरू हो चुकी है और 1 फरवरी तक है, 10 बजे तक। ये मॉक अलॉटमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, कर्नाटका में जब भी काउंसलिंग चल रही है ना, तो बहुत सारे कर्नाटका के बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकल भी कर रहे हैं, फार्मा भी कर रहे हैं, और जितने भी कोर्सेज उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो वो एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। मतलब एक हिस्टोरिक प्रोसेस चलती आ रही है, और उसके बाद वो चाहें तो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। उनको दोबारा इसलिए ऑप्शन मिलती है अपनी ऑप्शंस को रीअरेंज करने का, क्योंकि तो जब कर्नाटका का बच्चा ये भरता है फॉर्म, तो उसके पास तो बहुत सारी ऑप्शन आती हैं। पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ रिजल्ट है, उसके बाद ये देखिए जो एक्सरसाइज चॉइसेस है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, और इसी से आपको पता चलेगा कि हमारे पास फ्री एग्जिट है। कोर्स अगर आपने चॉइस नंबर 1 या 2 ली है, तो फिर उसके आगे के क्राइटेरिया हैं कि अगर आप चॉइस नंबर 1 और 2 क्या होता है, उसके बाद डिपॉजिट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं ना, इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले ये समझे कि चॉइसेस क्या हैं। तो जो फैक्टर नंबर 7 आया था, इसको देखना ज़रूरी है कि फैक्टर नंबर 7 क्या था हमें, राइट? क्योंकि इसी से डिपेंड करेगा कि हम क्या कर रहे हैं। फैक्टर नंबर 7 क्या है, चलते हैं इस साल के ब्रोशर पे जो चॉइसेस वाला था। सबसे पहले देखिए, ये बिल्कुल बात सच है कि चॉइस फिलिंग का मौका एक ही बार मिलेगा। सो जस्ट टू टेल यू, इसमें आपके पास एग्जैक्टली 30 MBBS के कॉलेज हैं, 3030 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अगर आप देखना चाहें तो ये उन कॉलेजेस की लिस्ट है। और एक और गुड न्यूज, फीस नहीं बढ़ी है इस साल। सो 30 में से 25 कॉलेजेस की फीस, एक्चुअली 24 कॉलेज की फीस 9,94,406 रुपये है पर ईयर। एक कॉलेज अपना फेमस सेंट जॉन्स है, जिसकी फीस 6,28,670 रुपये है। 5 कॉलेज हैं फिर जो कि 18 लाख में है, अचिन दुदागिरी, 20 लाख डॉक्टर चंद्रम्मा, और खाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी 16 लाख, SDM कॉलेज धारवाड 17 लाख, और एक और था, एक दो तीन चार, एक बार मैं और चेक कर लूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो शायद चार ही थे जो कि महंगे हैं, और ये जब आप ऑप्शन एंट्री में जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा। इसके अलावा ये एक कोड है हर कॉलेज का, इस कोड की क्या वैल्यू है ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उसके अलावा, जैसा मैंने कहा, सब कॉलेज की फीस 4,94,000 है, जो नॉर्मल सीट होती है। और हम सभी जानते हैं कि कर्नाटका में एक अदर कोटा भी होता है, जहां पर फीस 35,40,000 रुपये साल की होती है। इस पे बात पे आते हैं, पहले चॉइस एंट्री वाली बात है उसको समझा दो, जो पॉइंट नंबर 7 एक्सरसाइज चॉइसेस। देखिए, आपने एक बार एंट्री कर दी, आपकी जो चॉइस फिलिंग है ना, जो आप 1 से 30 तक डालोगे वो फिक्स रहेगी, ठीक है? कोई बात नहीं, वन टाइम चॉइस एंट्री हो गई। आज हमें उस ब्रोशर पे, और ये जो हम बात कर रहे थे क्यू सीट की है, क्यू सीट आ गई जो महंगी वाली सीट है, आपको ध्यान ये रखना है जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपने इन, देखिए पहले तो आपको पूरा कॉलेज नजर आएगा। जब आप चॉइस फिल कर देते हैं ना, खाली आपको ना कोड नजर आता है कॉलेज के सामने वाला, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए कोड्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको कोड्स पता चल जाएंगे कि इस कॉलेज का कौन सा कोड है और क्या फीस है। ये हमने आपके लिए अभी सुबह सुबह उठ के बनाई है, अपने क्लाइंट्स के लिए तो हम बनाते ही है ना, तो इसलिए आप सब भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब आ जाता हूँ मैं, तो सॉरी दोबारा आपकी इस बात पे वो रह गया। तो देखिए, ये आ गया, जब आपको सीट मिल जाएगी सो आपके पास 4 चॉइस हैं, जो बड़ा सिंपल है। चॉइस होना है बेसिकली
नॉर्मल भाषा में आपने सीट लेके क्या था, फ्रीज कर दिया। आपको सीट मिल गई है, आपने फ्रीज कर दिया, आपको भाई सीट चाहिए, और फिर जो उसके बाद की प्रोसेस है वो यहाँ पर लिखी हुई थी, राइट, कि क्या करना है। वो मैं कैसे, आप और सुन चुके होंगे 5 वीडियोस में, मैं बता दूंगा आराम से, मतलब वो आप पढ़ सकते हो, उसमें समय समय खराब नहीं करेंगे। आपको मैं भी चॉइसेस का समझा रहा हूँ। सो चॉइस वन है वेरी सिंपल, आपने सीट ले ली है और आपने सीट को फ्रीज कर दिया है। चॉइस नंबर टू एक्चुअली होती है फ्लोट करना, दैट मीन्स आपने सीट ले ली और आप अपग्रेड के लिए जा रहे हैं, तो आप डीम्ड में भी जा सकते हैं। आई एम सेटिस्फाइड विद द लॉटरी सीट बट विश टू पार्टिसिपेट, डेट मीन्स आप फ्लोट कर रहे हैं। इस केस में आपको क्या क्या करना है वो जरूर इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, सच कैंडिडेट विल, आप फीस देंगे चालान डाउनलोड करके, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आप ना ये पे देकर आएंगे, लेकिन आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये फर्क आता है। मैं तो चॉइस वन और या चॉइस चॉइस वन और टू दोनों केस में आप फीस पे करेंगे। चॉइस वन में आप पूरा काम करके आएंगे कि शायद आप कॉलेज में भी जाके रिपोर्ट करके आएंगे और भाई आपके हर जगह से फ्रीज हो गया है, तो इसमें और डिटेल बता दूंगा। लेकिन ये चॉइस वन टू, वन और टू में क्या फर्क है और ये आपको कैसे कैसे करना है, तो शायद देखिए यहाँ पर भी लिखा ही हुआ है। कि चॉइस वन और चॉइस टू जब आप लेते हैं आप में दोनों में क्या फर्क रहेगा, क्योंकि पेमेंट ऑफ फीस एंड डाउनलोडिंग ऑफ एडमिशन ऑर्डर दोनों को ही करना है ना। लेकिन एडमिशन ऑर्डर लेके जो अगला काम है वो खाली चॉइस वन वाले को करना है, ठीक है। वो इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, आप ब्रोशर में पेज नंबर 54 पे देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप घबराए ना, चॉइस नंबर तीन, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद लॉटरी सीट बट विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड विद ऑल द ऑलरेडी एंटर्ड ऑप्शन, दैट मीन्स जो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं फ्री एग्जिट अवेलेबल है। सिर्फ एक दिक्कत होती है, देखिए आपको अगर 1 से 30 नंबर तक आपकी जो चॉइस थी उसमें आपको चॉइस नंबर 18 मिल गई थी, ठीक है, 18th, तो कुछ नहीं चेंज होगा। सिर्फ जब ऑटोमेटिकली राउंड टू स्टार्ट होगा तो आपकी चॉइस लिस्ट में से वो 18 नंबर हट जाएगा, क्योंकि 18 आपको पसंद ही नहीं था, ऐसा उनका कहना है, वरना आप एक बार फीस जमा करा देते ना, आपकी सेम चॉइस रैंक रहेगी 1 to 30, 18 नंबर गायब हो जाएगा, तो 1 to 29 आपके बच जाएंगे, इसमें 17 तक सेम रहेंगे, और जो आपका पहले 19वीं चॉइस थी वो 18 बन जाएगी, 20वीं 19 बन जाएगी, समझ गए आप। तो जो आपको राउंड वन में सीट मिली थी बस वो कॉलेज आपकी लिस्ट से ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये मैं आपको इसलिए हार्प कर रहा हूँ कि देखिए हमारे कई क्लाइंट्स हैं या आप भी होंगे जो 590 नंबर वाले हैं, 580 नंबर वाले हैं, जिनको ना एक तरफ सरकारी कॉलेज की भी चाह है, ठीक है। अब आप फीस नहीं पे करना चाहते, 10 लाख फीस नहीं पे करना चाहते चॉइस नंबर वन या टू को पकड़ के, राइट। तो केरला में भी लोग ऐसा करते थे और अब लास्ट तक वेट करते, पर केरला ने इस बार क्या कर दिया कि अगर आपको सीट मिल गई राउंड वन में और आपने नहीं ली तो आप काउंसलिंग से बाहर हो गए। कर्नाटक आपको ऐसा नहीं कर रहा है, कर्नाटक ऑफकोर्स देखिए आपको राउंड टू में मिल गई फिर भी आपने नहीं ली चॉइस थी फिर आप हार हो गए, क्योंकि मॉपअप में फिर आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी हमें पूरे 15 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो काफ़ी लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि एटलीस्ट ऑल इंडिया कोटा की अलॉटमेंट का राउंड टू देखना चाहते हैं, उसके बाद ही कर्नाटक का राउंड टू आएगा ना, ताकि आपको एक्स्ट्रा समय मिल जाए तो फिर भी आप काउंसलिंग में बने रहेंगे, और क्या पता आपको बहुत अच्छी सीट मिली जाए तो आप ले लें। लेकिन अगले लट से आपको 14वें नंबर का कॉलेज मिला और आप जाकर अभी वो मेहनत नहीं करना चाहते फीस पे करने की, डॉक्यूमेंट सबमिट करा के आने की, आपने कुछ नहीं करा, चॉइस नंबर थ्री ले ली। चॉइस नंबर थ्री लेके आपको समय मिल गया, आप काउंसलिंग में बने हुए, सिर्फ आपका वो कॉलेज आपकी लिस्ट से हट गया, बट आपके मार्क ऑफकोर्स एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सारे के सारे कर्नाटका वालों जो आपसे ऊपर वाले थे खासकर या नीचे वाले थे उन सब ने वो सीटें ले ली जो उन्हें चाहिए थी, फिर तो आपके लिए सीट ही नहीं बचेगी राउंड टू में, पर वैसा होता नहीं है। तो आप राउंड टू के लिए भी एलिजिबल हो जो आप केरला में इस साल नहीं हो, तो उसका बस एडवांटेज ये है कि आपको थोड़ा समय और मिल जाता है अपने आप को ऑल इंडिया कोटा में चेक करने का बिना कर्नाटका को पैसे दिए। ये कर्नाटका में भी आप अपग्रेड के लिए ऑप्शन मांग सकते थे ना, फिर बाद में रूल रहते ही हैं सीट को विड्रॉ करना वगैरह वगैरह, इसमें आपको कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा और आप अपने आप को राउंड टू तक एटलीस्ट बना के रख सकते हो। लेकिन रजिस्ट्रेशन तो अभी करना है, राउंड टू में रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, काउंसलिंग भी अभी करनी है, क्या रजिस्ट्रेशन तो पहले खत्म हो चुके हैं, तो चॉइस फिलिंग आप कर देंगे कुछ और नहीं करेंगे, तो आप एटलीस्ट कर्नाटक के राउंड टू तक आप खड़े रहेंगे। उसका एडवांटेज ये है कि जो भी आपका अपना होम स्टेट का डोमिसाइल है, आपका ऑल इंडिया कोटा है, देखिए सब देख, ऑल इंडिया कोटा राउंड टू तो पूरा ही देख लेंगे। ऑल इंडिया कोटा मतलब एमसीजी काउंसलिंग जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं। फिर लेट्स से आप एक
एमपी डोमिसाइल के हैं या पंजाब डोमिसाइल के हैं, तो एक तरफ जब कर्नाटका का राउंड टू का रिजल्ट आएगा, आपके पंजाब का भी राउंड टू का जाएगा, तो आपने ऑल इंडिया कोटा, अगेन सॉरी एमसीसी का राउंड टू देख लिया जिसमें ऑल इंडिया कोटा, एम्स, बीएचयू सब आ गए, आपने अपने स्टेट का राउंड टू देख लिया सरकारी वाला, और आपने देख लिया कि आपको क्या मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा, तो फिर आप फट से कर्नाटका का राउंड टू की सीट को फ्रीज कर सकते हैं, चॉइस वन या टू लेकर राउंड टू के बाद। तो ये बढ़िया ऑप्शन आपके पास कर्नाटका में है, तो ये स्ट्रेटजी आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, जैसा मैंने कहा मैं डिटेल में कि वन और टू में क्या फर्क है, आपको कैसे प्रोसेस फॉलो करनी है बता देता हूँ। फी स्ट्रक्चर का बेशक आपको एक और वीडियो में बना दूंगा थोड़ी देर में, वैसे तो बताए थे 9,94,000 है, 26 कॉलेजों की फीस, 25 की एक सेंट जॉन, और 4 ही महंगे हैं। और इसके अलावा इनको आप किस जनरली जो किस रैंक में हम भरते हैं, 1 to 30, जिसको हम कर्नाटका की चॉइस लिस्ट बोलते हैं, वो अक्सर हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। आप अगर वो चॉइस लिस्ट हमसे लेना चाहें कि हम कौन सा नंबर 1 पे भरे, कौन सा 15 पे भरे, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 9643362320 पे, और कह सकते हैं कि आपको सिर्फ कर्नाटका की प्रायरिटी लिस्ट चाहिए। तो देखिए, मैं हमेशा कहूँ, चाहे ऑल इंडिया कोटा था उसके हम 11,000 रुपये लेते हैं, और यूपी प्रायरिटी लिस्ट जिसमें भी 30 कॉलेज थे, या कर्नाटका प्रायरिटी लिस्ट जिसमें भी 30 कॉलेज है, तो हम 5,000 रुपीज़ का नॉमिनल अमाउंट फीस चार्ज करते हैं, और आपको एक प्रॉपर लिस्ट भेजते हैं जिसमें कॉलेज की लोकेशन, ईयर ऑफ स्टार्टिंग सब कुछ है, जो आपने शायद देख ही लिया, ये आपको एक्सेल था बेसिकली, इसमें भी अभी रैंक नहीं डाली है हमने, तो फिर वो रैंक डाल के आपको भेजते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो फिलहाल ये पर्पस था कि लॉक कर लीजिए, और फ्री एग्जिट है तो घबराइए नहीं, ठीक है, सारी ऑप्शन डाल दीजिए। ये मैंने इसलिए कहा कि कर्नाटक, केरला में मेरे कुछ क्लाइंट ने ऐसे भी करा है कि वो चाहते ही नहीं उनको राउंड वन में अलॉटमेंट हो जाए, सोचिए उनके 580 नंबर है, तो उन्होंने सिर्फ वही कॉलेज डाले हैं तो राउंड वन में ना मिले कि राउंड टू तक वो एलिजिबल रहे। तो हमें इतना दिमाग, इतनी स्ट्रेटजी लगानी पड़ी, उतनी स्ट्रेटजी की कर्नाटका में जरूरत नहीं है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद।